जो बीवी छोड़ के भागा हो उसको 45 करोड़ परिवारों की चिंता नहीं है, उसको अडानी अंबानी की चिंता है। मोदी जी सही कह रहे, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हर देशवासी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मणिपुर में चुनाव नहीं है इसलिए मणिपुर गंभीर नहीं। आज तक आप किसी राज्य बताओ और 8 रुपए की थाली मिलती है। जनता वर्सेस बीजेपी का, वहाँ अब जनता चुनाव लड़। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किए वो छोड़कर भागे, मणिपुर छोड़कर भागे। चीन जब लद्दाख में घुसा तब चीन को उन्होंने कह दिया कि जो है कोई देश के अंदर नहीं आया। तो जहाँ जहाँ जिम्मेदारी इनके कंधे पर आनी थी आई, इन्होंने वो जिम्मेदारी छोड़कर भागे। सिर्फ चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अपने बड़े बड़े व्यापारियों को, जो हम लोगों का पैसा है, गरीब का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, हम लोगों का हक है, वो अपने पूंजीपति लोगों को पैसा देके और उनका कर्जा माफ़ करने में हमारा हक लुटाया जा रहा है। आज तक आप किसी राज्य बताओ और 8 रुपए की थाली मिलती है। 8 रुपए में ऐसी हाइजीनिक थाली मिलती है खाने की। मेडिकल की सुविधाएं देखो, 25 लाख तक का इलाज आदमी फ्री करा सकता है। बहुत सारे सिलेंडर उन्होंने 5 हंड्रेड का कर दिया। गरीबों का मसीहा के तौर पे जाना जाता है। विधवा पेंशन लागू की, कहाँ दूसरे स्टेटों में दे रहे हैं। 25 लाख का गरीब का बीमा करा रहे हैं कि इलाज करवा सके, दवाइयाँ मुफ्त कर दी। अभी बताया कि 8 रुपए में किचन जो है वहाँ चालू, रसोई चालू की है। भोजन इतना स्वादिष्ट है, लोग खा रहे हैं। नगरी भीड़ वहाँ पर 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। मोदी जी बुरे बाकी देश ठीक। 140 करोड़ की आबादी है, 40-45 करोड़ परिवार है देश में। जो बीवी छोड़ के भागा हो उसको 45 करोड़ परिवारों की चिंता नहीं है, उसको अडानी अंबानी की चिंता है। वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग गए हैं, उनको वापस लाने की चिंता नहीं है। लेकिन एक आम किसान अगर 30,000 का लोन लिया होगा तो उसका खेत जो है नीलामी पे लग जाता है। मोदी जी सही कह रहे, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हर देशवासी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मणिपुर में चुनाव नहीं है इसलिए मणिपुर गंभीर नहीं। अभी चुनाव आ जाने तो मणिपुर गंभीर हो जाएगा। वहाँ पहुँच जाएंगे, रोने लग जाएंगे कि मैंने आपका बहुत मदद करी लेकिन मेरी बात कोई मानी नहीं। बोलेंगे कांग्रेस की सरकार थी देश में, सरकार बीजेपी की, फिर बोलेंगे ये कांग्रेस की गलती। इतिहास बता रहा हूँ आपको, इनके कार्यकर्ता बोलेंगे 200 साल 100 साल बाद जब ये इतिहास में पढ़ा जाएगा मणिपुर का, तब तो बोलेंगे तब कांग्रेस की सरकार थी इसलिए मणिपुर जल रहा था। ये लोग ये झूठे और निकम्मे। राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है। जो गहलोत सीएम साहब ने जो काम किया है कांग्रेस सरकार के अंदर, चाहे गरीबों के लिए हो, मध्यम वर्ग परिवार के लिए हो, चाहे अमीरों के लिए, जो योजनाएं लाए उससे आमजन खुश हैं, उसी आधार पर सरकार रिपीट होगी। इस बार अब जनता वर्सेस बीजेपी का, वहाँ अब जनता चुनाव लड़ेगी और जनता पूरी की पूरी अशोक गहलोत जी के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अब अशोक गहलोत वर्सेज बीजेपी नहीं, अब जनता वर्सेज बीजेपी। मोदी जी को घबराहट हो रही है, राजस्थान हम खो ना दें। आएंगे 10 बार आएंगे, आने दो, उसका टेंशन नहीं है। ये 5 ईयर ग्राउंड लेवल पर काम किया गया है, जो ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है वो बोलता है। ये परिवारवाद कांग्रेस और विपक्षी दलों पे लगाने के लिए है। वहीं पे उनकी पार्टी में राजनाथ सिंह का बेटा, मुंडे की बेटी, उनके यहाँ जितने नेता हैं उनके बेटा बेटी हैं तो वो रसगुल्ला है, हमारे यहाँ है तो वो गुलगुला है। ये नहीं चलेगा दोहरा मापदंड। एक आदमी नहीं है जो उनको चाय बेचता देगा, एक आदमी नहीं है इनकी कॉलेज में जो क्लासमेट था, ऐसी कौन सी कॉलेज में जो सिंगल आदमी पट गया है। उनका काम है झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना और लोगों को गुमराह करना। आपको ये भी पता है कि डबल इंजन कब लगाया जाता है? जब एक इंजन खराब हो जाता, कहीं गाड़ी खराब हो जाती तो उसको खींचने के लिए दूसरा इंजन लाया जाता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का इंजन खराब हो चुका है इसलिए दूसरा इंजन लगाने की बात करते हैं, वो डबल इंजन की बात का हो रही है। सिंगल पूरे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जगहों पर सिंगल इंजन चलता है और बड़े अच्छे से गाड़ी चलती है। घर में यदि लाइट का 2 फेज कर दिया जाता है ना तो बल्ब फूट जाता, फोर्ट फिनिश वो फ्यूज हो जाता बल्ब और पूरे इलाके में अंधेरा हो जाता है। यदि डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे तो इसका मतलब इनके अंदर अंधेरा हो चुका। कर्नाटक में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, वहाँ भी मोदी जी गए थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहाँ भी मोदी जी गए। उन्होंने महाराष्ट्र में फिर धोखा के, जनता ने जिसको बहुमत दिया उसके साथ धोखा करके खुद की सरकार ने ऐसा ही नहीं कि रेपिस्ट पार्टी, रेप करो बार बार करो और अपने लोगों को बचाओ, ये रेपिस्ट पार्टी है। ये माँ बहन सुरक्षित नहीं है। इस बार सबसे ज़्यादा महिलाओं ने कमर कसी। ये शुरुआत राजस्थान, मध्य प्रदेश,
रायपुर छत्तीसगढ़ बाकी हमारे तमाम 5 राज्यों से महिलाएं शुरुआत किया है। इस बार महिला बनाम मोदी चुनाव हो रहा है, महिलाएं लड़ेगी मोदी के सामने चुनाव। मोदी करे तो लीला और दूसरा करे तो व्यभिचार। अगर परिवार वो चलाते तो परिवार के विरुद्ध क्यों बोलते, क्योंकि परिवार तो वो सिंगल आदमी वो उसने दिखाई नहीं, परिवार में रहता ही नहीं वो। मोदी जी इस देश के अंदर वो काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और हिटलर शाही को ला रहे हैं आप। मोदी जी ने 18,000 गाँव में बिजली दी, उन्हें ये नहीं पता कि देश में 7.25 लाख गाँव हैं जिसमें कांग्रेस दे चुकी थी बिजली, ठीक है। मोदी जी ने बिजली के दाम गांवों में बढ़ा दिए, सिंचाई के लागत बढ़ा दी। उन्होंने जो वादा किया था कि 2022 में हम किसान को आय दोगुना करेंगे, हर चीज़ के दाम दोगुने कर दिए। यूरिया, डाई, चाहे सिंचाई हो चाहे बिजली हो, हर चीज़ के दाम दोगुने कर दिए, तो किसान की आय तो आधी हो गई जो वादा था दोगुना करने का। सिलेंडर जो है वो उज्ज्वला की बात करते हैं, देश में सिलेंडर जो है 90% सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं हुए उज्ज्वला के तहत जो बांटे गए। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो एक प्रदेश में जो है वो 500 रुपये में सिलेंडर रिफिल करने की बात करें।